सिखा रही हूँ चिकन टिक्का रेसिपी। चले आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये है 1.5 kg चिकन, इसमें मिक्स किचन से बोनलेस भी है और वैसे जो भी है। इसमें है एक प्यारी दही है, ठीक है। और टिक्का कोई सी भी कंपनी का ले लें आप, चिकन टिक्का 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला, हल्दी पाउडर 1.5 स्पून, कुटी मिर्ची 1 चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, पाउडर और धनिया पाउडर भुना हुआ और क्रश करा हुआ, कूट लें या क्रश कर लें, 1 चम्मच नमक, सारी चीज, 2 चुटकी जर्दे का रस, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली और लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में या फ्रिज से बाहर जैसे भी आप इसको मैरिनेट करके रख दें। बस ये इसको आप रख दें, आधे घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। करी हुई चिकन है, अब इसको हम कोई कढ़ाई या कोई पतीले में इस तरीके से पूरा अच्छी तरह से इसको कुकिंग ऑयल कोई सा भी जो आपको चाहिए वो आ रहा है क्या, आप कुकिंग ऑयल भी डाल दिया आपने। अभी फिलहाल मैंने प्लेन ऑफ ही रखा है, अब बिरयानी आज में ये मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया मैंने मशीन वाली, और ये मैंने इसको ढक्कन कवर करके अब इसको मैं पकने दूँ। पानी खुश्क हो गया और चिकन भी हमारी गल गई है, ये देखें ये चिकन हमारी निकल गई है, ठीक है। अभी ये तेल भी ऊपर आ गया है, अब हम कोयले को हमने रखा है, जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसकी अब धुली देंगे। अब ये रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा कुछ भी जो भी आपके पास रखा हुआ हो ये आप लेके, ये रोटी का टुकड़ा और रख दें या ब्रेड हो कुछ भी हो जो भी आपके पास हो ये रख दें। और अब ये है कोयला, कोयले को मैंने यहाँ अलग चूल्हे पे करा हुआ था, ये आप इसके ऊपर रोटी के ऊपर रखेंगे और रख के इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के आप इसको, ये धुनी हो रही है, मतलब आपकी चिकन तैयार है, ये धुनी हो जाए। अब आपकी चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें मसाला भी है, चिकन भी है, चपाती के साथ जिसके साथ भी आप खाना चाहो। अब आपकी ये रेड चिकन तैयार हो गई है जिसके साथ प्याज भी है और खीरा भी है और ये रायता भी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रायते की रेसिपी दे दूंगी। अल्लाह हाफिज़।